और यहाँ पावर हाउस भी दिया हुआ है। अभी सूरत में कैसे एक्सीडेंट हुआ, तकसीला में एक्सीडेंट ही हुआ, यहाँ भी तो हो सकता है। वहाँ तो बड़े बड़े बच्चे थे, यहाँ छोटे छोटे बच्चे होगा। एक तरफ निर्माणाधीन बहुमंजिल इमारत से सटा ये बिजली का ट्रांसफार्मर, जो कि भविष्य में किसी अनहोनी घटना घटने का सबूत दे रहा है, और दूसरी तरफ ये सोसाइटी के लोग जिनको इस बिल्डिंग के अवैध तरीके से बनाए जाने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख हूँ, ये हमारा रेसिडेंस एरिया है, यहाँ पे किसी तरह का ऐसे कॉमर्शियल चीज का कोई परमिशन नहीं है। सूरत जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर पर बसा पलसाना में साकी गांव का यह श्रीजी रेजिडेंसी सोसाइटी है, जहां के लोगों ने कलेक्टर, कमिश्नर और मुख्यमंत्री तक को भेजे आवेदन में आरोप लगाया है कि पलसाना के साकी गांव में एक स्कूल का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है। 6 जगह एप्लीकेशन दिया हूं, कमिश्नर में दिया हूं, कलेक्टर में दिया हूं, सूडा में दिया हूं, मुख्यमंत्री के पास दिया हूं, शिक्षा मंत्री के पास दिया हूं। तो अभी तक क्या कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दुर्भाग्य है, इन लोगों की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सोसाइटी के लोगों के अनुसार इस गांव में कुछ महीने से डीएवी पब्लिक स्कूल के नाम से संचालन होने वाले इस स्कूल का इमारत आसपास के जमीन को कब्जा कर अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। लोगों का आरोप है, जब इस बिल्डिंग के दबंग मालिक को इसकी सूचना दी गई तो वह इन लोगों पर बरस गए और धमकी भी दे डाली। यहाँ पे सब ये 5 मार का है, 5 फीट मार्जिन का जगह छोड़ना चाहिए, इसको जगह छोड़ा ही नहीं कोई साइड पे, सब जगह कब्जा कर लिया है। ये यादव को बोलने पर डीएन यादव को तो बोलता है जो करना कर लो। हाँ, मतलब ये धमकी दे रहा है। क्या इस इमारत के दबंग मालिक के पीछे किसी बड़े नेता या अधिकारियों का हाथ है, या फिर दबंग मालिक पैसे के नशे में इतना चूर हो चुका है कि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जब सरकार का बुलडोजर चलता है तो अच्छे अच्छे करोड़पति बाबू की सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाती है।